नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचकूला सेक्टर 12 के यादव भवन में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ 3 अक्टूबर को 51 महिलाओं ने बहुत धूमधाम से कलश यात्रा निकाल कर किया था। कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सभी ने पीले वस्त्र पहने भागवत कथा का आयोजन सेक्टर 12 के संदीप मित्तल एवं उनकी धर्म पत्नी नीलम मित्तल ने किया। कथा का वाचन आचार्य नवल किशोर की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर आचार्य नवल किशोर ने कहा कि हमें अहंकार को त्याग कर प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक यादव भवन सेक्टर 12 में की जा रही है। शाम 6 से 7 बजे श्री गौरी शंकराचार्य महाप्रांग की ओर से मंगल आशीर्वर्जन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर सैकड़ों लोगों ने माथा टेका और श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। महिलाओं की ओर से खूब नाच गाना किया गया। सभी भक्त श्री कृष्ण जी के मधुर भजनों में लीन हो गए थे। सभी भक्तों के लिए प्रसाद एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। 9 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ कथा का समापन किया जाएगा। पंचकूला से हमारे संवाददाता अंकुर अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।